हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आया हूँ मैं अल रौदा डिस्ट्रिक्ट 5। और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ यही है अल रौदा और ये गली है मोहम्मद हमजा स्ट्रीट। और आया हूँ मैडम के जो है इधर मदरसा, ये जो है मदरसा नहीं है, यहाँ पे जो है जो टीचर होते हैं उनकी ट्रेनिंग चलता है। तो ट्रेनिंग के लिए आई। अब देखो जो है 2 दिन आएगी या 1 हफ्ते आएगी बता नहीं सकता, अभी तो आज पहला दिन है, सनाबिल नहीं गई है। और ये काफ़ी खूबसूरत मकान है, एकदम बहुत बड़े बड़े मकान हैं। तो यहीं पे पार्क लगा के छांव में पेड़ों के बैठा हूँ गाड़ी में। और ये रहा काफ़ी हरा भरा नज़ारा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल जो है फोन आ गया है मैडम का और अभी बज रहे हैं 11:30। और जहाँ पर आया हूँ ये मदरसा नया वाला, तो छुट्टी हो गया है। अब देखो कल भी आना पड़ता है कि नहीं। तो वैसे अब चलते हैं रूम पे, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है सामने। और उसके बाद जो है मिलते हैं आपसे रूम पे, क्योंकि मैडम जो है बैठी रहेगी तो बता नहीं सकता कुछ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैडम को छोड़ के जा रहा हूँ जो है मातम पाकिस्तानी होटल पे, सीधे बोले पाकिस्तानी होटल पे जा रहा हूँ। और देखता हूँ अगर यहाँ पे चना जलेबी पराठा कुछ भी होगा तो खरीदता हूँ। वैसे तो लगा पड़ा हुआ है, अभी अंडा पराठा है, आ गया हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, ये रहा, ये बंगाली होटल है। अरे यहाँ तो सब ये लाल वाला जो खोला है, ये सब गाड़ियां लगी पड़ी हैं जो है। चल भाई, चल चल चल, पार्किंग नहीं मिलता इधर क्योंकि पतला सा यही रास्ता है जाने का। और ये पीली लाइन लगी है इधर, अंदर पार्किंग लगाओ, बाहर रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये है सब यहाँ पे पाकिस्तानी होटल है, मतलब लोकल टाइप में यही सब है। अभी यहाँ तो गाड़ी लगी पड़ी हुई है, देखो ये भाई साहब बना रहे हैं। और चलिए देखते पूछ रहा है क्या जो है करना है। तो इधर इधर देखते हैं, मसरी है, मसरे पूछ रहा है क्या वीडियो बना रहे हो क्या। हमने कहा हाँ, तो और क्या। ये है पाकिस्तानी, सब पार्किंग लगी पड़ी है, पानी डलवा रहे हैं सब, सुबह सुबह का मौसम है ना। तो फ्रेंड्स, गाड़ी लगा दी हूँ पार्किंग में, बस पार्किंग नहीं है, सड़क है। तो चलता हूँ, देखता हूँ जो है चना जलेबी है कि नहीं, मिलेगा तो ले देंगे, है नहीं तो फिर पराठा लेके चलते हैं। क्या करेंगे, और आलू का पराठा या फिर अंडे का पराठा लेके चलेंगे या फिर सादा। अभी ये पीछे गाड़ी लगा है, ये हॉर्न मार रहा है, पता नहीं पानी खत्म कर दिया है कि नहीं, पी पी हारे माँ हॉर्न मार रहा है, अभी बताता हूँ इसको क्या बात है। अभी जो है मैं जो आया हूँ ये है बिलादेन वाला रोड, ये बिलादेन रोड जाएगा और ये हमदानिया का ही बैक साइड एरिया है। और ये है पाकिस्तानी होटल, तो काफी जो है भीड़ भाड़ लगा हुआ है और देखते हैं क्या होता है। अभी तो सब पराठे ले रहे हैं, 1-2 उधर, 1 लगाए 3, ये सब है। पूछता हूँ देखेंगे जलेबी वलेबी है कि नहीं। ये जो पानी डला रहा है, तो ये रहा साबिया मताम और ये रहे इधर पराठे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मेरा पराठा हो गया। अरे
अच्छा ना आप घर हो गया। अच्छा ये रहा जी, मारो छनो देखो, इधर इधर चना है। धूप बहुत ज्यादा है और चल रहा हूँ जो है अपने रूम पर। हवा तो आ नहीं रही क्योंकि चिल्लाना पड़ रहा है जोर जोर से। बड़ी तेज धूप है बाहर। देख लो इसको, सटा के लेके जा रहा है। तो चल रहे हैं फ्रेंड्स रूम पे और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, 8:47 हो रहा है। धूप भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है। इधर तो रास्ता पूरे खराब पड़े हैं यार, कैसे जाए, हद हो गई। इधर देख रहे हो रास्ते जो है खराब है, आउटसाइड एरिया है ना, तो इसी वजह से धुआं धक्कड़ देख रहे हो, उड़ा के लेके जा रहे हैं। चलिए इसे चलते हैं क्या, इन गाड़ियां तो इसे जा रही हैं। चलो इधर ही चलते हैं, ये जिधर जाएगा इधर ही जाऊंगा, देखता हूँ इसी को फॉलो करके चलना है क्योंकि ये आउट एरिया है तो गड़बड़ है ना। देख लो रोड भी खराब है, ये रोड अच्छा है। ये मेरे पीछे सादे नहीं गाड़ी नहीं है, मैंने लगा आ रही है। चलो फिलहाल इसे चलते हैं। तो अभी चल रहा हूँ जो है ये हमदानिया का आउटसाइड का एरिया है, बिल्लादेन साइड का। तो बिल्लादेन तो काफी उधर है और मैं इधर हूँ, क्या बोलते हैं, लुलु मॉल के साइड ओर। और ये नहर बनी हुई है पानी वानी जाने के लिए, और देख सकते हैं। और इधर तो अभी थोड़ा बहुत जो है सब मेंटेनेंस बाकी है क्योंकि सब पुराने जितने घर थे सब तोड़ ताड़ के, इसलिए जो है कुछ नए मकान बनाए कुछ पुराने मकान हैं। तो इधर आने के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत खतरा रहता है, कहीं टायर पंचर हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए ये आधा सही है रोड, फिर इधर सामने जो है फिर इधर लगा ही नहीं है गिट्टी उट्टी को, केवल गिट्टी लगा है, तार को लगा ही नहीं है, सब बना ही नहीं है। हो सकता है बारिश की वजह से मतलब पानी जहाँ पे जमता हो, ये भी रीजन हो सकता है। आ गया जी, करीब आ गया। तो ये रोड है, हमें लगा ये रोड बंद है, ये है। ओह डिवाइडर लगा है ना, तो इसी वजह से जंपिंग जपा कर रहा है। अभी देखना, देखो ओह ये पेट्रोल पंप याद है ना, ये आ गया हूँ नजदीक NK। अब यहाँ से यूटर्न ले लेना है, बस आ गया अपना एरिया इलाका। ये बस सामने जो है जो पीली बिल्डिंग दिख रही है वो है क्रीम कलर की है या पीली कलर की हल्की सी छूकर है, वो है नेहदी सुपर मार्केट। बस आ गया। तो फ्रेंड्स पहुंचने वाला हूं अपने रूम पे और लिया क्या हूं, जलेबी पूछा तो बोला जलेबी तो है नहीं, और जलेबी जो मिलेगा वो 11 बजे के बाद मिलेगा, नहीं दोपहर में, दोपहर में मिलेगा जलेबी। तो जलेबी था ही नहीं, जलेबी नहीं था तो फिर पूछा क्या है, तो वही आलू का पराठा, सादा पराठा, अंडा पराठा यही था। तो आलू पराठा 2 रियाल का था, उसके बाद चना का जो चने की सब्जी होती है मटर, उसके साथ एक पराठा और एक चने की सब्जी उसके साथ, यानी छोला बोल सकते हैं, छोला चने वाला, तो
उसके साथ 2 रियाल का मिलता है, सादा पराठा 1 रियाल का, और आमलेट वाला साग 3 रियाल का है, पूछा नहीं था लेकिन उम्मीद है 3 ही रियाल का होगा। और जलेबी रहा होता तो मजा आ जाता है आज, चना जलेबी पराठा चाय। अब दिया है करे ये क्या है भैया, गरीबी है क्या है, मतलब चिकन वगैरह का बोल रहा है, नहीं छोला है, हमने कहा छोला तो है ही नहीं, केवल सालन है, तेरा खत्म हो गया खत्म हो गया। असल बात अभी 9 भी नहीं बचा, 9 बजने वाला है, तो हो कस्टमर क्या होता है ना, ज्यादा हो जाते हैं कभी कभार, कभी कभार कम हो जाते हैं। तो उम्मीद था जलेबी खाने का, तो फिलहाल मिला नहीं, कल इंशाल्लाह देखेंगे, कल तो जुमा है, खुलना चाहिए लेकिन नहीं, कल जुमा कल बंद रहेगा। आ गया हूँ जो है अपने रोम के नजदीक, और ये रही मेरी मैडम की काली वाली बिल्ली, ये सड़ रही है, और ये रहा मेरा रोम। तो फ्रेंड्स जो है आ गए अपने रोम पर, ये रहा छोला मट, क्या बोलते हैं, ये पराठा हो गया और ये छोला हो गया। तो आ गया हूँ रूम पर, चलते हैं थोड़ा फ्रेश हो लें, उसके बाद मंजन कर लें, वही बोलते हैं ना, दातुन वगैरह कर लें, फिर आते हैं खाते हैं चना और दाल। बाल काफी बड़े हो गए हैं, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हो गए कटवाए नहीं हूँ, अब हो सके अगर आज टाइम मिले तो जाऊंगा, नहीं तो फिर साधु बनूंगा इसे तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं आया हूँ इधर मतम नजफ पे, और दिया हूँ ऑर्डर पिज्जा का, और फिलहाल मैं आया हूँ जो है 10-15 मिनट पहले हो गया है, तो पिज्जा ला के रख दिया हूँ गाड़ी में, और चल रहा हूँ रूम पर, फिर देखते हैं उसके बाद काम कहाँ, क्या काम है, कहाँ जाना पड़ता है। वैसे तो अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो अभी खाया भी नहीं हूँ और भूख भी लगी है, चलिए जो है चलते हैं चाय बना कर पियेंगे या मैगी बना खाएंगे, और मैं आपको ये दिखाऊँ पिज्जा बड़ा वाला साइज, ये है पिज्जा, यही है वो पिज्जा, और इसको मैं खोलने जा रहा हूँ, देख लो ये इसमें पैक है, ये एल्युमिनियम फॉइल लगा पड़ा है, और ये देखो वाओ, ये जो है सॉस है, पता नहीं मीठा है और दही है, और ये है, इसको ऐसे ढक दो अब, तो इसको मैंने कर दिया है पैक। आपने देखा कितना खूबसूरत लजीज स्वादिष्ट दिख रहा है, तो अब चल रहा हूँ रूम पर जो है, उसके बाद देखकर आता हूँ। यही है वो नजफ मताम, ये है मताम नजफ, और वहाँ पे वो बन रहा है, और ये जो है मताम जो है नियर अबाउट यानी अलबैक के करीब में है, ये है अलबैक, और इसके बाद जो है वो पड़ेगा मजफ मताम नजफ नाम है उसका। यहाँ अलबैक में हमेशा भीड़ ही भाड़ रहता है, और इधर है फ्रेश बर्गर, और इधर है बार्नेस यानी बार्न, फिर सोमा, फिर है स्टारबक्स, ये सब कॉफ़ी वाली दुकानें हैं। फ्रेंड्स जो है फिलहाल रूम पर से खा पी के जो है अभी आया हूँ सुपरमार्केट नहदी पर, और मुझे यहाँ पे थोड़ा 2-3 आइटम लेना है, पानी है, साबुन है, और एक क्लोरेक्स है, उसके बाद चलना है जो है लेने के लिए कैपेचिनो, 1 कैपेचिनो, तो चलते हैं अपना ला कर, उसके बाद चलते हैं कैपेचिनो लेने बार्न कैफे पर, और वैसे जो है केवल 60 ही रियाल दी है और कोई ज़्यादा सामान नहीं है। यहीं पे बार बार आता हूँ, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, नहदी केवल।
तो फ्रेंड्स अभी जो है सामान लेते आया और उसके बाद जा रहा हूँ कैपेचिनो लेने के लिए। कैपेचिनो लेके उसके बाद चलता हूँ फिर रूम पर। हाँ उसके बाद देखे फिर किसका कॉल आता है, हद हो जाती है। तो फिलहाल दोस्तों सामान जो है अंदर देकर चला आया और पता नहीं ये मैडम क्या दी है ये। तो दोस्तों अभी जो है मैं सामान देकर चला आया रूम पर, चाबी खोज रहा हूँ, चाबी यहाँ भूल गया था। तो सामान देकर चला आया हूँ और ये है पता नहीं क्या है, पैकेट में पैक किया हुआ है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा बॉक्स और ये क्या है, ये है कबाब, ये है क्या बोलते हैं बकरे का जो है कबाब है, तो इसको दी है। तो फिलहाल इसको करते हैं इसी में, इसे रहन देते हैं। तो फ्रेंड्स मैडम जो है फिलहाल कबाब दी है, चलो कम से कम आज खाना बनाना नहीं पड़ेगा। और खाए थे पेट भी भरा हुआ है, इच्छा भी नहीं कर रही कि मतलब है बनाए खाना होना, अब कल से बनाएंगे इंशाल्लाह, कल से खाना बनेगा। जा रहे हैं सोने के लिए, अपने वीडियो ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।